दोस्तों वेलकम बैक ऑटो शॉप की एक नई वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो है सिस्टम नॉट कॉन्फिगर्ड प्लीज़ कनेक्ट डीएक टूल का जो रिस्टोरेशन है उसके लिए। हालांकि ये वीडियो हमने पहले भी ये सॉल्यूशन हमने पहले भी अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल किया हुआ है, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है थोड़ा, और ये बहुत ही शॉर्ट कर दिया है हमने, सो दैट आपको इसको रिस्टोर करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो फाइल आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट आफ्टर एक्सट्रैक्ट उसका एक फोल्डर बनेगा और फोल्डर के अंदर से जितनी भी फाइल्स हैं वो सभी आप पेन ड्राइव में कॉपी कर लीजिए। ध्यान रहे आपकी पेन ड्राइव 4GB और 8GB और 16GB इन तीनों में से कोई भी हो, क्योंकि यही वर्जन ऐसे हैं जिसमें FAT32 फॉर्मेट चाहिए होता है। सॉरी FAT32 फॉर्मेट में आपकी पेन ड्राइव पहले फॉर्मेट होनी चाहिए, उसके बाद आप जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर मिला है उसकी फाइल्स को इसमें कॉपी करने के बाद सिंपल अपने सिस्टम के अंदर ऐसे लगा दीजिए। लगाने के बाद 30 सेकेंड आपको वेट करना है। आफ्टर 30 सेकेंड ऑटोमेटिकली विंडोज सीई खुलेगी और हमें उसके अंदर कुछ टच कुछ सेटिंग चेंज करनी है, तो देख लेते हैं। अभी ये बस अभी खुलने वाला है और ये विंडोज एम्बेडेड सीई ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये अभी माई डिवाइस भी खुल जाएगा, ये खुल गया है, ठीक है। तो अभी हमें ध्यान देना है कि MD माई डिवाइस डबल क्लिक हियर, उसके बाद डी माईकॉम बीटा जो फोल्डर है उसको आप डबल क्लिक करके खोल लेंगे, उसके बाद बिन नाम का जो फोल्डर है उसको भी डबल क्लिक करके खोल लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि उसके अंदर एक डी माईकॉम करके ये इस तरह की एक इमेज आपको दिख रही होगी, सो इस पर हमें डबल क्लिक करना है। इस पर डबल क्लिक करने के बाद ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन होने की कोशिश करेगा, एक विंडो खुलने की कोशिश करेगी और अपने आप बंद हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है और फिर दोबारा से ये खुलेगा, ठीक है। तो हम इसे डबल क्लिक करेंगे ऐसे, ये खुलने की कोशिश की इसने और ये बंद हो गया, कोई बात नहीं, फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा अपने आप। तो अभी इस बार जब ये खुलेगा तब हमें ये परमिशन देगा कि हम अंदर जाके उसमें सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस का हिस्सा था ये जो अपने आप इसको बंद होना था। वेट कीजिए, फिर से ये खुलेगा और हम फिर से सेटिंग को चेंज करेंगे। ये विंडो एम्बेडेड सीई 6.0 फिर से खुल गया है, अभी माय डिवाइस भी ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ओके एंड नाउ वी नीड टू टच डबल टच ऑन MD फोल्डर एंड डी माईकॉम बीटा एंड अगेन बिन, डबल क्लिक ऑन बिन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी फिर से डी माईकॉम ये इमेज आ गई है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में हमारा ये सेटअप अभी खुल गया है, यहाँ पे हम सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे ट्यूनिंग में, ठीक है। ट्यूनिंग टैब यहाँ पे है, तो ये ट्यूनिंग टैब पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे कि सबसे नीचे कॉर्नर पे राइट DSI कॉन्फिगर लिखा हुआ आ रहा है, इसे हम एक बार प्रेस करेंगे।
प्रेस करने के बाद ये एक विंडो खुलेगी छोटी, इसके यहाँ पे जो ओके हमें दिख रहा है इस पर हम एक बार प्रेस करेंगे, और उसके बाद एक छोटी और विंडो खुली है उस पर भी ओके आया है, उसे हम प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको कट करके बंद कर देंगे। तो ट्यूनिंग में तो हमें इतना ही कुछ करना था, उसके बाद हम चले जाएंगे रीसेट ईसीयू पे। रीसेट ईसीयू पे हम जाने के बाद क्लियर वर्जन को एक बार प्रेस करेंगे और ये जो छोटी सी विंडो खुली है इसका ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद क्लियर यूएलसी को एक बार प्रेस करेंगे, यस करेंगे, और यस करने के बाद एक और जो डी माई कॉम करके एक छोटा सा विंडो यहाँ पे ओपन हुआ है उसकी ओके को एक बार प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम एन रजिस्टर यहाँ पे इसको एक बार प्रेस करेंगे। ये प्रोग्रेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एन रजिस्टर को प्रेस करने के बाद, तो हम वेट कर लेंगे। ये प्रोग्रेस जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद हम रिडीमर, ये जो यहाँ पे एक बीच में बटन है इसको एक बार प्रेस करेंगे, सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद सिस्टम अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। आपका सिस्टम रिस्टोर हो चुका है, आपका जो भी वर्जन था वो सेम टू सेम रहेगा, कोई वर्जन चेंज नहीं है, कोई आपके नेविगेशन या मैप में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आने वाला है। आप देख सकते हैं सिस्टम यहाँ पे इजीली रिस्टोर हो गया है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं मैप। एग्री बटन है ये, अभी ये सिस्टम सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे आपको पेन ड्राइव को रिमूव कर देना है, नहीं तो दोबारा से वो विंडो खुल जाएगी। ठीक है, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं, सिस्टम को हम बंद करेंगे। और सिस्टम को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। बंद करने के लिए हम अपने कार की की को ऑफ कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, 30 सेकंड के बाद दोबारा से की को हम लगा सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। नेविगेशन को चेक करके देख लेते हैं। एग्री बटन अभी लोड हो रहा है क्योंकि सारी जो सेटिंग्स हैं वो इसमें रीस्टोर हुई हैं, तो थोड़ा टाइम ले रहा है वो। अब यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये काम कर रहा है। ठीक है, रूट्स वगैरह यहाँ पे आ गए हैं। मैप को हम देखते हैं, मैप भी ठीक से ओपन हो रहा है। सेटिंग्स में जाके हम चेक कर लेते हैं। ऑडियो में बैलेंस, फेडर और लेफ्ट और राइट सब कुछ सही से काम कर रहा है। डिस्प्ले में हमारा रियर व्यू कैमरा ऑन था तो ऑन ही हमें मिला है। ब्लूटूथ में हमारी जितनी सेटिंग्स थी सेम मिलेंगी। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन ये 9.1.1 था तो ये सेम टू सेम मिल गया है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिस किसी को भी ये समस्या आ रही है आप हमारी वेबसाइट क्विट कार सॉल्यूशन पे आकर के इस सॉल्यूशन को बहुत इजीली डाउनलोड करके, परचेज करने के बाद डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।